बजट सत्र से पहले दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम मोदी की बैठक, अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए मांगे सुझाव। बजट सत्र से पहले निजी क्षेत्र से सुझाव जानने के लिए लगातार हो रही बैठकें। हिंदू और हिंदुत्ववादी के मुद्दे पर मंत्री शांति धारीवाल का बयान, कहा देश में हिंदुत्ववादी कट्टर सोच के लोग, कट्टरता किसी भी धर्म के लिए नहीं सही। उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल कलराज मिश्र ने खेती की तकनीकों पर की चर्चा, 938 स्टूडेंट को दिया गोल्ड मेडल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से ईडी दफ्तर में पूछताछ, ईडी के कार्रवाई पर भड़की जया बच्चन, राज्यसभा में बोली बीजेपी के बुरे दिन जल्द आने वाले हैं, हमारा गला ही घूंट दीजिए। लोकसभा में चुनाव सुधार संशोधित बिल को मंजूरी, वोटर आईडी से आधार कार्ड जोड़े जाने का प्रावधान, कांग्रेस समेत विपक्ष ने किया विरोध, सरकार का बयान वोटर कार्ड आधार से जुड़ेगा तो फर्जीवाड़ा रुकेगा। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री टेनी के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष का हंगामा, तो राज्यसभा में 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी, राहुल गांधी का वार, बोले सदन चलाना किसकी जिम्मेदारी। दिल्ली में ओमिक्रॉन खतरे पर केजरीवाल का बयान, कहा बूस्टर डोज की मंजूरी दे केंद्र सरकार, भारत बायोटेक ने डीजीसीआई को बूस्टर डोज के तीसरे ट्रायल के लिए किया आवेदन। टोंक के देवनारायण आवासीय स्कूल में फूड पॉइजनिंग, स्कूल की 19 छात्राओं की बिगड़ी तबियत, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में बदमाशों का आतंक, पुरानी रंजिश में 5 परिवारों पर बोला हमला, घरों में की तोड़फोड़, लाखों का सामान लूट कर हुए फरार। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, एक यात्री के पास से 17 लाख का सोना बरामद, शारजहां से बैग के पहियों में छिपाकर लाया था सोना।